Hello everyone, welcome to Access Institute. Let's start with the lecture number 3 of matrices. Before starting lecture number 3, lecture number 1 mein hum logo ne dekha tha ki what basically matrix is, what are the elements of matrices, how to represent matrix. Uske baad hum logo ne dekha lecture number 2 mein what are various kinds of matrix. Now we are proceeding towards various kinds of operations that we can perform between two or more than two matrices, such as addition, subtraction, multiplication, division, etc., etc. So before proceeding, the very first topic is equality of matrices. Like, जब हम लोग numbers पढ़ते थे, तो हम लोग कहते थे ना, A is equal to B. That means कि दोनों numbers आपस में equal हैं. तो here over matrices, दो matrix के equal होने का मतलब क्या है? उसके case में हमारे पास तीन different conditions होंगी. The condition number one is both the matrices must have equal number of rows. Condition number two, both the matrices must have equal number of columns. And last condition, corresponding elements of both the matrices are very simple. Simple सी चीज़ ये कि अगर हमारे पास दो matrices हैं, and both the matrices are equal to each other. अरे भाई इक्वल होने के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तो बराबर होना ही चाहिए. तो इन दोनों को हम कंबाइन करके ये लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम. ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम. तो अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है तो दे कैन बी इक्वल इफ इफ देयर करस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. करस्पोंडिंग का मतलब इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट इक्वल है, ठीक है. इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से इक्वल है. लाइकवाइज ये एलिमेंट इसके इक्वल एंड दिस एलिमेंट इसके इक्वल. वेरी सिंपल. तो यहाँ भी क्या होता है, ऐसा नहीं प्रूव करने को आएगा कि प्रूव द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. तो अरे भाई वो तो दिख ही रहा है इक्वल है. यहाँ पे क्या करेगा कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कुछ अननोन फिल कर दिया जाएगा और बोलेगा कि बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल. तो हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके अननोन्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. बस याद रखने वाली बात क्या है कि इक्वल तभी होगा जब ऑर्डर सेम होगा, दैट इज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होंगे. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे क्या है कि बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल. अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होना चाहिए, ठीक है. उसमें दो रो, इसमें दो रो, उसमें दो कॉलम, इसमें दो कॉलम, फाइन. हम लोग क्या कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर सकते हैं. तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखा जाए तो एक एलिमेंट हमारा ये है, राइट. एक इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन. दूसरा अगर हम लोग देखें तो दिस पर्टिकुलर एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, दैट इज सेकेंड इक्वेशन इज टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो. आगे बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ. दिस पर्टिकुलर एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू दिस एलिमेंट, राइट. टू एक्स प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू फाइव. एंड लास्ट वन इज if this particular element must be equal to this one, that is 3z plus w is equal to 30. बन गए चार इक्वेशंस, अननोन भी हमारे पास चार है, x, y, z and w. तो सॉल्विंग दिस वाज टू इक्वेशन, लेट्स सबट्रैक्ट. तो जैसे हम लोग इसको सबट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट माइनस वन, x इज इक्वल टू माइनस वन, दैट इज x इज इक्वल टू वन. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन वी विल गेट 1 minus y is equals to minus 1, that comes to y is equals to 2. दो वैल्यूज आपको मिलेंगे. x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे अगर x की वैल्यू को यहाँ पे अगर हम लोग 1 के बराबर पुट करें तो फ्रॉम हियर वी कैन से कि हाँ भाई z is equals to 3 आएगा. हो गया तीसरी वैल्यू. चौथी में देखते हैं, z की वैल्यू 3 आ गई, 9 plus w is equals to 13, w is equals to 4. ये आ गई आपकी w. तो इस तरह से हमारे पास जो बेसिक क्वेश्चन आता है ऑन द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे कि ऑल यू नीड टू नो कि आपके पास दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगी जब उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे. अलोंग विद दैट उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग इक्वल करके वी कैन फाइंड एनी वैल्यू. बस कंडीशन बीइंग कि जितने अननोन्स हो एटलीस्ट हमारे पास उतनी इक्वेशन तो होंगी. आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे हमारे पास दो इक्वल मैट्रिसेस दी हुई है. यहाँ पे हमें वही चीज स्मॉल ए स्मॉल बी फाइंड करना है. कंपेयर करते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्स एंड ए बी इज इक्वल टू एट, राइट. यहाँ से हमें बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी इज इक्वल टू सिक्स माइनस एट. इसमें अगर हम लोग पुट करें
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से हम लोग इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिट हो ही गया है, a माइनस 2 माइनस 4, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर वी कैन से a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 4। अगर a की वैल्यू 2 है तो इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 और a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हो गया आपका टोटल सॉल्यूशन a और b की वैल्यू। आप यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करके देख लीजिए कि दोनों मैट्रिसेस हमारी इक्वल आएंगे। दो सॉल्यूशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दो सॉल्यूशन भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी हमारे पास दो डिफरेंट मैट्रिसेस दी हैं। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल कि यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम चीज की देखना है। पहले तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है बिकॉज मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन पहले से दिया हुआ है। हम यहाँ पे वही चीज करेंगे, इक्वेट करेंगे कि पहले होगा एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू वाली बार मिल गई। सेकेंड टर्म को करने के बाद जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 6 ये भी मिल गया। थर्ड टर्म को करने के बाद टू वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 3 वाई माइनस 2 यहाँ से आपको वाई मिल जाएगा। वाई एक्स वाई जेड मिल गया, ठीक है। लास्ट वाली रो को अगर हम लोग कंपेयर करें तो बी माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। फिर उसके बाद हमें a भी करना है तो a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, बीच वाली रो से हमने लिया है वाली क्योंकि हमें a भी फाइंड करना था। एंड z प्लस 2c इज इक्वल टू 0। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z a b एंड c। जब हम लोग इस वैल्यू को फाइंड करने चलेंगे तो यहाँ से हम लोग को मिल गया x इज इक्वल टू माइनस 3, एक आंसर हो गया। z इज इक्वल टू 2, y is equals to minus 5, right? y is equals to minus 5, ठीक है? ये हो गया हमारा पहला। आगे बढ़ते हैं, हमारा x, y, z निकल गया। यहाँ पे देखिए हम लोगों को b की वैल्यू मिलेगी minus 7, a की वैल्यू मिलेगी minus 2, z की वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग पुट करते हैं 2 के इक्वल तो c इज इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया हमारे 6 और 9 की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन जनरली दो मार्क में आते हैं जब अननोन आता है, एल्स एक मार्क का क्वेश्चन। ये हो गया हमारा एक वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नए टॉपिक की तरफ, दिस इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना हो तो हम लोग मैट्रिसेस को ऐड कैसे करेंगे। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं एंड बोथ द मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n, व्हाई? जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा, जब तक दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होगा, वी कैन नॉट फाइंड देयर सम। तो देन देयर सम, अगर हम लोग सम ऑफ दो मैट्रिसेस ऑब्टेन कर रहे हैं, सबसे पहली चीज दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जो सम करके नई मैट्रिक्स आएगी आंसर में उसका ऑर्डर भी सेम होगा एज दैट ऑफ द मैट्रिसेस गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन हम लोगों को ये पता चलिए कि सम तभी डिफाइंड है जब हमारे दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। जो आंसर में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्वेश्चन के ही इक्विवेलेंट होगा। अलोंग विद दैट कैसे एडिशन परफॉर्म होता है वो ये होगा कि जैसे हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर रहे थे वैसे ही हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे एंड एट द सेम पोजिशन हम लोग आंसर वाले मैट्रिक्स में उसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे, वी हैव टू मैट्रिसेस 1, 2, 3, 4, ऑर्डर 2+2, तो दूसरे मैट्रिक्स अगर ऐड करनी है तो ऑर्डर मस्ट बी 2+2 होनी, 1, 2, 3, 4 ही ले लेते हैं। सेम होना, अच्छा चलिए सेम नहीं लेते हैं, फिर आपको लगेगा कि सेम नहीं आया, ठीक है। अब हमको सम निकालना, तो सम निकालने के लिए तो वेरी बेसिक कंडीशन है इसकी, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर सेम हो, आंसर जो है उसका ऑर्डर भी सेम होगा। तो सबसे पहले हमने इसका पहला एलिमेंट लिया, इसका पहला एलिमेंट 1+1, 2 करस्पॉन्डिंग पोजिशन पर फिल कर दिया। दूसरा एलिमेंट लिया 2-2, कितना होगा 0, 0 आ गया। 3+3, 6 आ गया। 4+5, 9 आ गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कि आपके पास दो मैट्रिक्स थी और यू नीड टू चेक इज कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे और करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर ही प्लेस करते जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर सेम होना जरूरी है, यहाँ पे ऑर्डर में 2+2, यहाँ पे 2+2 था तो आंसर का ऑर्डर भी हमेशा सेम ही आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें।
तो एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, राइट। तो उसी तरह से मैट्रिक्स का एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है कि आप मैट्रिक्स ए में बी ऐड करिए या बी में ऐड करिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर वन। प्रॉपर्टी नंबर टू, एसोसिएटिविटी। जैसे हम लोग क्या करते थे, एडिशन ऑफ रियल नंबर्स लेते थे, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर लेते थे, तो एडिशन यूज टू बी एसोसिएटिव। तो सेम इज द केस विद द मैट्रिसेस ऑल्सो। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। याद कीजिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता था, किसी भी रैशनल नंबर में हम लोग क्या ऐड करते थे, तो गेट द सेम नंबर, जीरो जीरो ऐड करते थे। तो किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग क्या ऐड करते हैं, टू गेट द सेम मैट्रिक्स, जीरो। बट मैट्रिक्स में नंबर तो ऐड कर नहीं सकते, तो व्हाट वाज नेम ऑफ दैट मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो थे, तो द नेम ऑफ दैट मैट्रिक्स वाज नल मैट्रिक्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज नल मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऐड करते हैं, तो वी आर गोइंग टू गेट द सेम मैट्रिक्स एज द रिजल्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। याद कीजिए रैशनल नंबर वाले चैप्टर में हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स पढ़ा है, राइट। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता था, ए का ए में हम लोग माइनस ए ऐड करते थे टू गेट जीरो एज आंसर, तो माइनस ए वाज यूज्ड टू बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। यहाँ पे भी सेम चीज है, मैट्रिक्स में क्या करेंगे, सारे एलिमेंट का नेगेटिव ले लेंगे, सारे एलिमेंट सब में मिला के करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, और जब उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो आंसर आपका खुद ब खुद जीरो आ जाएगा। एंड लास्ट वन इज कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ अभी हम लोग आगे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कम्यूटेटिविटी से। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आपके पास दो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हम लोग रियल एग्जाम्पल से मतलब विद द हेल्प ऑफ नंबर्स देते हैं। एक छोटी सी मैट्रिक्स 1 2 3 4, एक दूसरी मैट्रिक्स 5 6 7 8, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ए प्लस बी निकालें, ए प्लस बी क्या होगा, 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8 होगा, दैट कम्स टू बी, आंसर क्या आएगा इस केस में, आपका आंसर आएगा 6 8 10 12, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब कम्यूटेटिविटी प्रूव करना है, तो पहले हम निकालेंगे बी प्लस ए। जब हम लोग बी प्लस ए निकालेंगे तो इट विल बी 5 6 7 8 प्लस 1 2 3 4, ऐड करते हैं इसको, क्या ऐड करने में आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, तो जी नहीं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैट्रिक्स एडिशन इज नोन टू बी नोन टू होल्ड फॉर कम्यूटेटिविटी। मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव इन नेचर। आगे बढ़ते हैं एसोसिएटिव, उसका एग्जांपल आप लोग खुद से ले सकते हैं कि अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स है एंड मैट्रिक्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर, तो हमें एडिशन परफॉर्म करना है। तो आप पहले बी और सी को ऐड करिए एंड आंसर को आप ए में ऐड करिए, और आप पहले ए और बी को ऐड करिए, आंसर को सी में ऐड करिए, आंसर जो फाइनल आएगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एडिशन कर रहे हैं। जनरली जब नंबर्स भी पढ़ते थे तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फर्क पड़ता था, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन यूज टू बी एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन पे दिमाग मत लगाइएगा, मैट्रिक्स एडिशन होता है एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। थर्ड वाज व्हाट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वही सेम चीज की हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स में हम लोग क्या ऐड करें टू गेट सेम, तो वी विल ऐड नल मैट्रिक्स, मतलब 1 2 3 4 में हम लोग सेम ऑर्डर की नल मैट्रिक्स अगर ऐड करते हैं 0 0 0 0, तो वी विल गेट सेम नंबर, वी विल गेट सेम मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, आइडेंटिटी इज एडिटिव आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव अभी हम देखेंगे, नल मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। ऐसा था, जस्ट लाइक नंबर्स। नेक्स्ट वाज इनवर्स, राइट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, वी हैव अ मैट्रिक्स, सेम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 -2 -3 -3 4, ठीक है। अब बताइए इस ए मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें टू गेट नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज रिटन लाइक दिस, ओनली बड़ा सा मतलब को 1 -2 -3 4, सेम ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स ऐड करें, यहाँ 1 है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 है तो 2, -3 है 3, 4 है -2, ऐड करके देखिए
क्या आता है, यू गेट नल मैट्रिसेस यहां से। तो ये क्या हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स, सारे एलिमेंट का हम लोगों ने साइन चेंज कर दिया टू गेट दी एडिटिव इनवर्स। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वर्स कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग नथिंग इज लाइक दिस, ठीक है, बहुत इजी सी चीज है कि आपके पास एक ए प्लस बी है और ये बी प्लस सी है। तो अगर हम लोग इस बी मैट्रिक्स को उधर भेज दें तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी, बी बी के एलिमेंट्स का सम है, फिर करस्पोंडिंग एलिमेंट्स अगर हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स को हम लोग सी में ऐड कर दें तो सी ही है, ए इज इक्वल टू सी। यही होता है हमारा कैंसिलेशन लॉ कि ये यहाँ पे बी भी कैंसिल होते हैं, जैसे कि हम नंबर्स के केस में करते थे। तो इसलिए कोई बड़ी सी बात नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने वाली बात ये है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, आइडेंटिटी इज नल मैट्रिक्स, और इनवर्स में आपको सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देना, मतलब माइनस ऑफ ए निकालना है। ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम चीज इक्वलिटी पे है, बट बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स इक्वलिटी आपको क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। तो लेफ्ट साइड में अगर हम लोग एडिशन परफॉर्म करें तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस वन, यहाँ आएगा जेड माइनस वन, दिस विल बी वाई प्लस जीरो, दिस विल बी टी प्लस टू, एंड वी विल गेट व्हाट, थ्री फोर फाइव सिक्स एज द आंसर। हमको अननोन्स के बारे में करनी है, एडिशन हो गया हमारा, अब दो मैट्रिक्स इक्वल आ गए, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल आ गए तो हमें क्या करना है, हमको सिर्फ कंपैरिजन ही तो करना है ना, एक्स की वैल्यू टू है corresponding elements, z minus 1 is equals to 5, तो हमें z की वैल्यू क्या मिली, 6 मिली, y plus 0 is equals to 4, तो हमको y मिल गया 4, t plus 2 is equals to 6, तो हमें t क्या मिल गया, तो हो गया, चारों वैल्यू पहले चाहिए ना, x, y, z की, तो ये ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस रहती है, क्योंकि यहाँ एडिशन और इक्वालिटी दोनों आपका चेक कर लिया गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, we have to find a matrix A, sorry matrix X, such that A plus B plus X is equals to 0. 0 का मतलब null matrix, ठीक है? A की वैल्यू तो हमें पता ही है, minus 1, 2, 3, 4, plus B is 3, minus 2, 1, 5. अब इसमें हम X add कर रहे हैं, तो पहली चीज को अगर हम लोग add कर रहे हैं तो order मस्ती से, तो कुछ भी ले लेते हैं, A, B, C, D ले लेते हैं, या छोड़िए, और भी आसान करते हैं, इसको x को x रहने देते हैं, लेकिन आंसर नल मैट्रिक्स आ गया तो इट विल बी 0 0 एंड ऑफ द सेम नंबर। दो को तो ऐड कर सकते हैं ना, इन दोनों को, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो वी विल गेट 2 0 4 9 प्लस x इज इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है। अब सोचिए आप x का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर 2 प्लस 2 होगा, जब हम लोगों का x का ऑर्डर 2 प्लस 2 होगा, अगर हम लोग कुछ ऐसा माने कि x मैट्रिक्स थी जिसके एलिमेंट्स थे x, y, z, t, और आंसर हमें लाना है 0, 0, 0, 0, तो आप लोग अगर सोचिए, एक तो तरीका ये है कि हम लोग ऐड कर दें दोनों लेफ्ट साइड वाले को, 0 के इक्वेट करें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, या तो सिंपल सी चीज ये भी तो है कि x की वैल्यू माइनस 2 होगी तभी तो 2 प्लस x 0 होगा, y की वैल्यू 0 होगी तभी 0 प्लस 0 0 होगा, z की वैल्यू माइनस 4 होगी और t की वैल्यू माइनस 9 होगी। तो हम लोगों को मिल गया ना x, y, z, t, हो गया हमारा ये मैट्रिक्स x एज द आंसर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैट्रिक्स एडिशन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या मैट्रिक्स एडिशन में सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोग स्टार्ट करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। टिल देन आप लोग मैट्रिक्स एडिशन और इक्वालिटी के क्वेश्चंस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंजॉय योर डे।